आप आईसीआई सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आईसीआई सिक्योरिटीज जो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रोकर था आज अपनी जगह छोड़ चुका है और आज दोस्तों खिसक कर चौथे नंबर पर आ गया है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों लोग आईसीआई सिक्योरिटीज से डिसअपॉइंट हो रहे हैं और छोड़ करके दूसरे ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं, और दोस्तों इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस ब्रोकर की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, दोस्तों इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा और आप देख रहे हैं माय कंपनी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईसीआई सिक्योरिटीज की टोटल 6 डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहली डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसकी कस्टमर सर्विस बहुत वीक है। अब दोस्तों जनरली देखा जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर्स की कस्टमर सर्विस वीक होती है, लेकिन ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो उस हिसाब से इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए और क्विक रिस्पांस आना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं खुद भी 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था इसको चेक करने के लिए, तो मेरा खुद भी इनसे कनेक्शन नहीं हो पाया, मेरी बात नहीं हो पाई। तो दोस्तों मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि इसकी कस्टमर सर्विस वाकई में वीक है। अब दोस्तों दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल ऐप है इनका, उसके आप प्ले स्टोर पर जाकर उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ 2.7 स्टार रेटिंग मिलेगी इसकी। दोस्तों कई सारे नीचे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, और दोस्तों कई सारे टेक्निकल एरर्स आते रहते हैं, कई बार हैंग कर जाता है। तो इस तरीके से ये जो इनका मोबाइल ऐप है ये सूटेबल नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रोकर इन सभी कमियों के बावजूद भी एक बहुत ही महंगा ब्रोकर है। चाहे आप अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें, चाहे आप ब्रोकरेज की बात कर लें, चाहे आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर लें, हर जगह आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो प्लान चल रहा है उसमें हो सकता है कि आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाए, लेकिन दोस्तों जहां पर दूसरे ब्रोकर्स की 300, 400, 500 रुपए तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, वहीं पर इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको 700, 800 रुपए तक मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है। वहीं अगर आप ब्रोकरेज की बात करें तो दोस्तों इनका पहले ये कोई फिक्स ब्रोकरेज नहीं लेते थे, पहले परसेंटेज बेस पे इनका ब्रोकरेज चलता था, बट अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ये एक नया प्लान लेकर के आए हैं, नियो प्लान, जिसमें इन्होंने काफ़ी अपने हद तक अपने ब्रोकरेज को रिड्यूस किया है। तो यहाँ पर भी लेकिन आपको डिलीवरी में 0.55% ब्रोकरेज देना पड़ता है, इंट्राडे में आपको 0.275% ब्रोकरेज देना पड़ता है, और इस तरीके से फ्यूचर और ऑप्शंस के भी प्लान इन्होंने रिड्यूस किए हैं। वहाँ पर कुछ फिक्स चार्जेस भी लेकर आए हैं और कुछ चीज़ों में इन्होंने स्टैंड आउट भी किया है बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। बट दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये एक महंगा ब्रोकर प्रूफ होता है, जैसा कि AMC चार्जेस में बात कर लें हम और अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें तो। अब दोस्तों इसके बाद चौथी बात कर लें हम कमोडिटीज़ में। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों कमोडिटीज़ में आप कैश सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमोडिटीज़ के ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप ब्रैकेट ऑर्डर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर आपको 3 फैसिलिटी एक साथ मिल जाती है। आप अपने बाइंग सेलिंग का ऑर्डर, टारगेट प्राइस का ऑर्डर और स्टॉप लॉस का ऑर्डर, तीनों ऑर्डर आप एक साथ लगा सकते हैं, आपको उसे बार बार मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ऑर्डर आप ऑप्शन सेगमेंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप कैश सेगमेंट में और फ्यूचर सेगमेंट में तो इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेगमेंट में आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो दोस्तों लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कुछ लोग दोस्तों नीचे कमेंट्स में सेक्शन में लिखते रहते हैं कि आपने किसी से पैसे लिए हैं या आप इससे दुश्मनी निकाल रहे हो, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे किसी ब्रोकर को डिफेम करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं इसके लिए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप अपने डिसीजंस लेने में आपको कुछ हेल्प हो सके। आप जब ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी डिसएडवांटेजेस भी पता होना चाहिए ताकि आप अपना सही से डिसीजन ले पाएँ और आपको आगे अपना फ्यूचर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो सके। तो यही मेरा पर्पज है, इसके अलावा मेरा और कोई पर्पज नहीं है। प्लीज़ आप नीचे इस तरीके के कमेंट ना कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट डिसएडवांटेज की, जो है GTC और या GTD ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों GTC GTD ऑर्डर का मैंने मतलब पहले भी समझाया है, यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक बार ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वही ऑर्डर आपका कई दिनों तक एक्टिवेट रहता है। बट दोस्तों कई ब्रोकर जैसे एक एक साल का टाइम देते हैं, 300 दिन का या 365 डेज का टाइम देते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है जिस टाइम के लिए आपका ये VTC ऑर्डर यानी कि वैलिड टिल कैंसल्ड ऑर्डर एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इस VTC ऑर्डर में जो प्राइस आप सेट करेंगे, जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं स्टॉक को, वो प्राइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक प्री डिफाइंड रेंज मिलती है, उसी रेंज के अंदर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो दोस्तों ये मेजर डिसएडवांटेजेस हैं आईसीआई सिक्योरिटीज़ की आज की डेट में जो वैलिड होती हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद इनको कुछ अपडेट कर लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से इसको शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको हर संडे को दोपहर 12 बजे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।